बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न वेयर चैनल की अनोखी क्विज पार्ट 73 में। लेट्स प्ले जीके क्विज 73। फर्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों के बीच खाली स्थान नीतियों का समन्वय करना है। ऑप्शन ए डाक, ऑप्शन बी वित्तीय, ऑप्शन सी नाभिकीय या ऑप्शन डी कृषि। आप चाहें तो इसके लिए स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर सोच सकते हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए पोस्ट। द पर्पज ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इज टू कोऑर्डिनेट द पोस्ट पॉलिसीज बिटवीन द मेंबर स्टेट्स। आपको बता दें यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन संयुक्त राष्ट्र UAN की एक विशेष एजेंसी है जो विश्व राष्ट्रव्यापी डाक प्रणाली के अलावा सदस्य राष्ट्रों के बीच डाक नीतियों का समन्वय करती है। अगर आप लोगों ने क्विज 72 देखी होगी तो आपको मालूम होगा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कहां पर स्थित है। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय बर्ने स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्विज को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर अभी तक आप लोगों ने लर्न वेयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे कि आपको हर नई वीडियोस के अपडेट्स तुरंत मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रैडमैन बेस्ड पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए टोनी ग्रेग, ऑप्शन बी रोलैंड पेरी, ऑप्शन सी डॉन ब्रैडमैन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप चाहें तो इसके लिए स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर सोच सकते हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी रोलैंड पेरी। आपको बता दें ब्रैडमैन पुस्तक के लेखक रोलैंड पेरी हैं। सर डोनाल्ड जॉर्ज ब्रैडमैन, जिसे अक्सर द डॉन कहा जाता है, एक ऑस्ट्रेलियाई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर थे जिन्हें व्यापक रूप से हर समय के महानतम बल्लेबाजों के रूप में स्वीकार किया जाता था। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है। ऑप्शन ए जोगिंदर सिंह, ऑप्शन बी मिल्खा सिंह, ऑप्शन सी अजीत पाल सिंह या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर सोच सकते हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी मिल्खा सिंह। भारत का फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी को कहा गया है। आपको बता दें मिल्खा सिंह, जिन्हें फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है, एक भारतीय पूर्व ट्रैक और फील्ड धावक हैं जिन्हें भारतीय सेना में सेवा करते समय खेल के साथ पेश किया गया था। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि यहाँ आपको सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे एक GK क्विज मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाएं प्राय किसका उपयोग करती हैं। ऑप्शन ए अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी वसा अम्ल, ऑप्शन सी ग्लूकोज या ऑप्शन डी सुक्रोज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोरट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। ऑप्शन ए बेसिक, ऑप्शन बी C++, ऑप्शन सी कोबोल या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर सोच सकते हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए बेसिक। अगर आपको फोरट्रान, एल्गोल, पास्कल इस प्रकार की आपको लैंग्वेज सीखनी है तो आपको पहले बेसिक जरूर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर दिल्ली बस सेवा कहलाती है। ऑप्शन ए सद्भावना एक्सप्रेस, ऑप्शन बी मैत्री एक्सप्रेस, ऑप्शन सी सदा ए सरद या ऑप्शन डी सदा ए अमन। आप चाहें तो इसके लिए स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर सोच सकते हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी सदा ए सरद। लाहौर दिल्ली बस सेवा सदा ए सरद कहलाती है। आपको बता दें दिल्ली लाहौर बस आधिकारिक तौर पर सदा ए सरद के रूप में जानी जाती है, जो कि एक यात्री बस सेवा है जो कि दिल्ली से लाहौर के बीच में चलती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ। ऑप्शन ए जुलाई 1991 में, ऑप्शन बी जुलाई 1992 में, ऑप्शन सी जुलाई 1995 में या ऑप्शन डी जुलाई 1980 में। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए जुलाई 1991 में आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है। ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी उदासीनकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन या ऑप्शन डी अपक्षेपण। आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर सोच सकते हैं।
एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी न्यूट्रलाइजेशन। आपको बता दें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वह रिएक्शन होती है जब एक एसिड और बेस पानी और नमक बनाने के लिए प्रतिक्रिया करते हैं और पानी उत्पन्न करने के लिए H+ आयन और OH आयनों के संयोजन को शामिल करता है। एक मजबूत एसिड और मजबूत बेस के न्यूट्रलाइजेशन की पीएच 7 के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला क्रिकेट क्लब कहां पर स्थापित किया गया? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी अहमदाबाद में या ऑप्शन डी मुंबई में। आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर सोच सकते हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इन कलकत्ता, कोलकाता में पहला क्रिकेट क्लब स्थापित किया गया। तो चलिए चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर। उस क्वेश्चन का जवाब आपको हर बार की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। फाइंड द ऑड नंबर लेटर वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ऑप्शन ए 5720, ऑप्शन बी 6710, ऑप्शन सी 4270 या ऑप्शन डी 2640। क्विज खेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं इस प्रकार की एक क्विज सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे खेलना, तो लर्न वेट चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आपको हर नई वीडियोस के अपडेट्स तुरंत मिल सके। और लास्ट क्वेश्चन का जवाब हर बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको यह क्विज से कुछ जानकारी मिली हो और ये पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।